आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि परमाणु में धनावेशित नाभिक होने की पुष्टि गाइगर मार्जिन प्रयोग के निम्न परिणाम से होती है। ठीक है, धनावेशित होने की पुष्टि। देखिए क्या था गाइगर मार्जिन प्रयोग, तो हम बात कर रहे हैं गाइगर मार्जिन प्रयोग के बारे में। ठीक है, इसी प्रयोग को हम बोलते हैं रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसी प्रयोग को हम बोलते हैं रदरफोर्ड का प्रयोग। ठीक है, यही हमारा रदरफोर्ड का प्रयोग है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे किया जाता है ये प्रयोग। तो देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर इस तरह से यहां पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया था, यहां पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया था जिससे कि लगातार यहां से उससे विकिरण निकल रहा था। ठीक है, यहां से रेडिएशन निकल रहे थे और ये रेडिएशन जा करके सामने यहां पर उन्होंने एक गोल्ड की फॉयल लगा दी थी। इस जगह पर ऐसे एक गोल्ड की फॉयल लगी थी। ठीक है, पतली फॉयल थी, बहुत ही पतली, इनकी पावर -8 इसका जो था वो इतनी पतली थी। अब यहां पर क्या था, यहां पर चारों तरफ ऐसे स्क्रीन लगी थी। ठीक है, चारों तरफ स्क्रीन लगी थी, यहां से जो गोल ये जो जा रहे थे ये डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे डेविएट हो रहे थे। ठीक है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे जो किरणें थी वो कण जो थे ये अल्फा कण थे, ये विभिन्न दिशाओं में ऐसे विचलित हो रहे थे और ये हमारा क्या था, ये हमारी क्या लगी थी, स्क्रीन लगी थी यहाँ पर। ठीक, तो क्या है कि यहाँ पर जो कुछ ही कण जो थे, कुछ अल्प कण जो हो रहे थे वो विचलित हो रहे थे, मतलब डायरेक्शन में जा करके वो विचलित हो रहे थे। तो इसको कुछ और तरीके से दिखाना चाहे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी क्या है, गोल्ड की फिल्म है। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां से ऐसे ये हमारा यहां से, ठीक, यहां से हमारा इससे विकरण निकल रहा है। ठीक है, तो यहां से जो निकल रहे हैं विकरण ऐसे करके सीधे, ठीक है, इस पर पड़ रहे हैं डिफरेंट एक्शन में, इस पर पड़ रहे हैं। ठीक है, इस पर डिफरेंट एक्शन में ऐसे इस पर पड़ रहे हैं। ठीक, और ये इस पर ऐसे डिफरेंट दिशाओं में ऐसे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि कुछ एक जो थे वो ऐसे विचलित भी हो रहे थे, अपने डायरेक्शन से ऐसे डेविएट भी हो रहे थे, कुछ ऐसे सीधे जा रहे थे, कुछ अपने डायरेक्शन से ऐसे डेविएट हो रहे थे। ठीक है, और कुछ जो कण थे वो ऐसे वापस जा रहे थे, ये हमारी जो अल्फा कण थे वो कुछ ऐसे जा रहे थे और ये हमारी क्या थी, ये हमारी स्वर्ण की पन्नी थी। ठीक है, ये हमारी स्वर्ण की पन्नी थी। ठीक, कुछ इस तरह से ये डेविएट हो रहे थे। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो केंद्र था, यहाँ से कुछ प्रमाण कुछ अनुमान निकाले गए, रदरफोर्ड के जो गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट था उससे कुछ तथ्य सामने आए। उसमें एक तथ्य ये भी था कि जो देखिए अल्फा कण है वह कैसी है, वह भी पॉजिटिव है। ठीक है, और जो हमारा जो डेविएट हो रहे हैं न्यूक्लियस से, तो नाभिक से जो डेविएट हो रहे थे, तो नाभिक भी हमारा कैसा था, धनावेश है, क्योंकि नाभिक भी हमारा कैसा माना गया, धनावेश, क्योंकि डेविएशन तभी पॉसिबल है, क्योंकि डेविएशन तभी होगा जब नाभिक भी हमारा धनावेश होगा और अल्फा कण भी हमारा धनावेश होगा, तो दोनों समान आवेश के हो गए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्ष करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो ये एक वापस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ ही कम ही मात्रा में थे, वापस होते थे। ठीक है, ये हमसे पूछा भी गया है कि परमाणु में धनावेशित नाभिक होने की पुष्टि कैसे की गई। तो धनावेशित होने की नाभिक होने की पुष्टि जो करी गई वो इस तरह से पता चला कि कुछ अल्पकण जो थे वही विचलित हो रहे थे, अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे गुजर जाते थे, यह भी सही नहीं था, इससे नहीं पता चलता है हमको क्योंकि सीधे गुजर रहे थे, यहाँ पर अधिक कोण पर विचलित हो रहे थे इनसे भी नहीं, और कुछ बहुत ही कम कण सीधे वापस लौट आते थे, इससे भी हमें पुष्टि नहीं हो रही थी कि ये जो है नाभिक धनावेशित है। नाभिक धनावेशित होने की पुष्टि तभी चली कि कुछ कण जो थे विचलित हो रहे थे, क्योंकि नाभिक भी हमारा धनावेशित हो गया और अल्फा कण तो हमें पता ही था कि ये पॉजिटिव है, ये जो अल्फा कण है हमारे ये तो पहले से ही धनावेशित थे, तो नाभिक से विचलित होने का मतलब था कि प्रतिकर्षण बल लगेगा तभी ये विचलित होंगे, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।